देखिए, पूरे 5 साल कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से गोठान के नाम से, गायों के नाम से नारा इतना उठाओ, इतना लगाओ और सीधे उसके खिलाफ काम करो, ये तो उस समय की सरकार में हमारे कार्यकर्ता के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया किसके द्वारा? ये जो गौ तस्कर थे उनके रिपोर्ट पर जो गौ सेवक थे उनके ऊपर लग गया, लेकिन जो गौ तस्करी करते हुए पकड़ा है, कार्रवाई हुई, वहाँ के लोगों ने उनको पिटाई भी किया, लेकिन उनके खिलाफ जो है पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कार्रवाई करने का, क्योंकि कुछ भी कार्रवाई करते तो यहाँ उनके आका बैठे हुए थे, उनके संरक्षण में पूरे प्रदेश में ये जो गौ तस्कर थे, भू माफिया थे, रातों रात लोगों का जमीन पे कब्जा कर लेना, रातों रात घर बना लेना, किसी का घर बना हुआ है उसमें सीधे कब्जा कर लेना, ये तो एक तरह से संरक्षण में ऐसे असामाजिक तत्व तो पल रहे थे। और आज जब सरकार बदली है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब ये सरकार बनने के बाद अब कार्रवाई जब जमीन में करना शुरू की है तो चारों तरफ छटपटा रहे हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।